सरकार ने हाल ही में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती का फैसला लिया है, जिससे आम जन को त्योहारी सीजन में महंगे खाद्य तेलों से राहत मिल सके। लेकिन सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही भारत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती की, वैसे ही विदेशों में खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए। भारत सरकार के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जब विदेशी कंपनियों ने भारत में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती करते ही अपने यहाँ दाम बढ़ा दिए हों। ऐसे में सरकार को नई नीतियां लानी होंगी, सरकार को नई रणनीति बनानी होगी। वहीं बाजार के जानकारों का कहना है कि सरकार को किसानों को MSP सुनिश्चित करनी होगी, जिससे किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सकें। अगर किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो किसान क्यों महंगा बीज खरीद कर तिलहन फसल लगाएंगे और भारत कैसे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगा। कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सरकार के फैसले के बाद खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य तेलों की कीमतों में सरकार के इस फैसले से गिरावट आई है, लेकिन इतनी नहीं कि उपभोक्ताओं को फायदा हो सके। एक साल पहले उपभोक्ताओं को सरसों तेल 90 रुपये से 120 रुपये लीटर मिल रहा था, वहीं अब 200 के पार है। थोक कीमतों में भले ही गिरावट आई हो थोड़ी बहुत, लेकिन किसानों को नुकसान हुआ है और उपभोक्ताओं को भी अभी भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के फैसले के बाद ना किसानों को फायदा हुआ ना ही उपभोक्ताओं को, तो फायदा किसे हुआ और क्या ये फैसला सही था? ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।